वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर। हमने लास्ट लेक्चर में एनिमल्स में सेक्स को कैसे डिटरमाइन किया जाता है इसके बारे में हमने पढ़ा था। थोड़ी बहुत हमने बात की थी कि सेक्स डिटरमिनेशन इन एनिमल्स, मतलब एनिमल के अंदर सेक्स को डिटरमाइन करने वाले या फिर सेक्स के बारे में स्टडी करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो पहले साइंटिस्ट थे हैंकिंग। ठीक है भाई, क्या नाम था उन साइंटिस्ट का? हैंकिंग नाम था, जिन्होंने 1891 में, ठीक है, जिन्होंने 1891 में सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए स्टेप्स आगे बढ़ाए थे। हालांकि वो बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए थे, लेकिन उन्होंने बेसिक्स जरूर दे दिया था। उन्होंने ही बताया कि किस तरीके से एनिमल्स में सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है। तो इन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो एक्सपेरिमेंट्स इंसेक्ट्स के ऊपर किए थे। किसके ऊपर किए थे? इंसेक्ट्स के ऊपर किए थे, और डिटरमाइन किया कि सेक्स कैसे मतलब सेक्स का निर्धारण कैसे होता है। बहुत एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया, इन्होंने ही डिस्कवरी की थी एक्स बॉडी की। एग्जैक्टली एक्स बॉडी क्या था भाई? इन्होंने इंसेक्ट्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टडी किया। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस, तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है भाई? स्पर्मेटोजेनेसिस, ये चीजें जो है मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, उस प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने इंसेक्ट के अंदर किसको स्टडी किया? स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टडी किया। और फिर उन्होंने बताया कि 50% जो स्पर्म्स थे, ठीक है, स्पर्म्स मींस मेल गैमेट्स, क्लियर है, 50% जो स्पर्म्स थे उनके पास एक डिफरेंट स्ट्रक्चर था। ठीक है, उनके पास क्या था? एक, अभी हम भी इसी को क्या बोल देते हैं, एक डिफरेंट स्ट्रक्चर था। और जो 50% थे उनके पास, बचे हुए जो 50% थे उनके पास वो डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं था। समझ आया? चलिए, तो मतलब 50% स्पर्म्स के पास क्या था? डिफरेंट स्ट्रक्चर था, और 50% स्पर्म के पास डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं था। क्लियर? तो जो ये जिनके पास 50% स्ट्रक्चर था, उस डिफरेंट स्ट्रक्चर का नाम इन्होंने कहा कि वो स्ट्रक्चर है एक्स बॉडी। ठीक है, उन्होंने क्या नाम दिया इसे? एक्स बॉडी। कि 50% स्पर्म्स के पास एक जो अलग सा स्ट्रक्चर था, जो एक छोटा सा डॉट उन्हें दिखाई दे रहा था, उसे उसका नाम इन्होंने एक्स बॉडी रखा। ठीक है, जिनके पास नहीं था तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं था। और फिर इतना ही इन्होंने एक्सप्लेन किया था, ये और ज्यादा सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में नहीं बता पाए थे और ना ही एक्स बॉडी को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर पाए थे। ठीक है, फिर फर्दर अदर साइंटिस्ट ने इस पर और ज्यादा वर्क करना शुरू किया, स्टडी हुई, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, फिर लेटर ऑन इस एक्स बॉडी को ही नाम दे दिया गया एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, क्या नाम दे दिया गया इसे? एक्स क्रोमोसोम ही नाम दे दिया गया। तो वो जो एक्स बॉडी थी भाई, बेसिक एक्स क्रोमोसोम हम जानते हैं, इट इज अ सेक्स क्रोमोसोम व्हिच विल डिसाइड कि व्हिच वन इज बेबी गर्ल एंड व्हिच वन इज बेबी बॉय। क्लियर है? तो ये जो बेसिक था वो एक्स बॉडी के फॉर्म में हमें मिला, जिसे देने वाले साइंटिस्ट थे हैंकिंग साइंटिस्ट, हैंकिंग नाम के साइंटिस्ट। ठीक, अब इसी के साथ यहाँ पर एक थ्योरी और दी गई, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, मतलब सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए कौन सी थ्योरी दी गई? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। ठीक है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन दी गई, जिसमें क्या बताया गया कि सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए क्रोमोसोम्स किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इस थ्योरी को देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे विल्सन, और दूसरे साइंटिस्ट थे स्टीवर।
साइंटिस्ट कौन से थे? हमारे स्टीवन। तो विल्सन एंड स्टीवन, इन दोनों साइंटिस्ट ने आपस में, मतलब दोनों ने साथ ही वर्क किया था और एक नई थ्योरी हमें दी थी, उसका नाम था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। तो सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए उन्होंने क्रोमोसोम के बारे में एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से क्रोमोसोम सेक्स को डिसाइड करते हैं, ठीक है। मेल और फीमेल को डिफाइन भी उन्होंने किया कि कैसे डिसाइड होता है कि कौन मेल बनने वाला है और कौन फीमेल बनने वाला है, ठीक है। अब हम डिफरेंट टाइप के गैमीट्स के बारे में स्टडी करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में कि अलग। देखिए, ह्यूमंस के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ह्यूमन का अगर हम सेक्स डिटरमिनेशन एक्सप्लेन करते हैं तो फीमेल के पास जो क्रोमोसोम पेयर होता है वो XX होता है और मेल के पास होता है XY, ठीक है। ये आप इस चीज से आप बहुत अच्छे से फैमिलियर है, लेकिन हम और भी एनिमल्स में, हम डक्स में देखेंगे क्या होता है, हम इंसेक्ट्स में पता करेंगे कि उनमें किस तरीके का स्ट्रक्चर पाया जाता है या फिर किस तरीके का सेक्स डिटरमाइन करने वाले क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बात करते हैं, देखते हैं भाई। चलिए, एनिमल्स में सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए हम ये डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोमल पेयर्स के बारे में स्टडी करेंगे। हम यहाँ पर साथ में एक छोटी सी टेबल भी बनाते जाएंगे कि हमें मेल और फीमेल में, देखिए यहाँ हम लिखते हैं एग्जांपल कि किस में हमें किस टाइप का जो है पेयर मिलने वाला है। यहाँ हमने लिखा फीमेल, तो यहाँ हम साथ में एक टेबल और बनाएंगे। यहाँ हमने एग्जाम्पल लिखा है, यहाँ फीमेल को लिखा और यहाँ मेल को लिखा, ठीक है। तो यहाँ हम साथ साथ डिसाइड करते जाएंगे क्योंकि हम आगे आगे जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका जो बेसिक है वो यहीं से बनेगा हमारा, ठीक है। तो इसे आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। चलिए, तो हम पहले टाइप के बारे में बात करते हैं, वो हमारा पहला टाइप है XX एंड X0 टाइप, ठीक है। तो आपको समझ आ रहा होगा कि भाई हम यहाँ सेक्स क्रोमोसोम्स के बारे में बात कर रहे हैं, XX एंड X0 टाइप। चलिए, तो हम यहाँ बात करते हैं फीमेल के अंदर कौन सा पेयर होता है, XX होता है या X0 होता है, ठीक। तो ये इसका एग्जांपल है, ये हमें नॉर्मली इंसेक्ट्स में देखने को मिलता है ये वाला टाइप, जिसमें हमें, जैसे हम बात करें ग्रास ऊपर की, कॉकरोच की, इनमें हमें ये फर्स्ट वाला टाइप जो है वो हमें देखने को मिलता है, जिसमें हमें जो फीमेल है, फीमेल के पास क्रोमोसोम का पेयर होता है। मतलब फीमेल जो होगी वो कैसी होगी, XX होगी, और मेल जो होगा वो कैसा होगा, X0, ठीक है। मतलब फीमेल के पास एक पेयर हुआ एक्स क्रोमोसोम का और मेल के पास होता है केवल और केवल एक एक्स क्रोमोसोम, वो जीरो मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है। जीरो का मतलब कोई क्रोमोसोम नहीं है, जीरो का मतलब यहाँ पर है भाई, देखिए क्रोमोसोम्स जीन्स की तरह ही पेयर में ट्रांसफर होते हैं, जिसको हमें आगे पढ़ना है, जिसको एक दूसरे साइंटिस्ट ने इस चीज को एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो उसको हम डिटेल में नहीं बात करते हैं। क्या हुआ, फीमेल के पास क्या हुआ, XX क्रोमोसोम, और मेल के पास जाता है X0 क्रोमोसोम। सेम वे में हम दूसरे टाइप की बात करते हैं, XX एंड XY टाइप। XX एंड XY टाइप जो है वो हमें कुछ इंसेक्ट में देखने को मिलता है, ठीक है। और स्पेशली वो जो इंसेक्ट है वो है हमारी फ्रूट फ्लाई, ठीक है। बाद में बात करेंगे फ्रूट फ्लाई, जिसे ड्रोसोफिला भी कहा जाता है, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, जो कि इसका साइंटिफिक नेम है, और कॉमनली कॉमन नेम इसका फ्रूट फ्लाई है, और भी बहुत सारे नाम है, वी विल डिस्कस इट लेटर, ठीक। तो यहाँ पे हमें इंसेक्ट मिला, इंसेक्ट में ये टाइप हमें देखने को मिलेगा, और मैमल्स में हमें ये टाइप देखने को मिलता है, ठीक है। मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, ह्यूमन भी इसमें इंक्लूड होगा भाई, ह्यूमन इज ऑल्सो अ मैमल, ठीक है। तो इंक्लूडिंग कुछ इंसेक्ट में मिलेगा हमें, मैमल्स में मिलेगा, और इम्पोर्टेंटली हमें ह्यूमन में भी यही टाइप देखने को मिलता है, जिसमें फीमेल के पास होते हैं XX क्रोमोसोम और मेल के पास होता है XY, ठीक है। फीमेल के पास क्या हुआ, XX क्रोमोसोम, और मेल के पास क्या है हमारे, XY क्रोमोसोम। तो ये डिसाइड करेगा, यही Y जो है वो डिसाइड करता है मेल
मेल बॉडी को। ठीक, अगला टाइप है हमारा जेड डब्ल्यू एंड जेड जेड टाइप क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो जेड डब्ल्यू और जेड जेड टाइप के जो क्रोमोसोम है ये हमें वर्ड्स में देखने को मिलते हैं। किसमें देखने को मिलते हैं? वर्ड्स। ठीक है, वर्ड्स में देखने को मिलेंगे हमें। फिशेज में भी यही, अच्छा यहाँ लिख देती हूँ मैं, फिशेज में हमें देखने को मिलते हैं ये वाला जो पैटर्न है, जिसमें जिसमें फीमेल के पास होता है जेड डब्ल्यू और मेल के पास होता है जेड जेड। ठीक है, फीमेल के पास क्या है? जेड डब्ल्यू टाइप ऑफ क्रोमोसोम और मेल के पास होता है जेड जेड क्रोमोसोम का एक पेयर। दूसरा टाइप है हमारा एक्स जीरो एंड एक्स एक्स टाइप ऑफ क्रोमोसोम। ये जो टाइप है वो हमें देखने को मिलता है डक्स में। ठीक है, जिसमें फीमेल के पास होता है एक्स जीरो क्रोमोसोम और मेल्स के पास होता है एक्स क्रोमोसोम का एक पेयर। तो ये प्रिपेयर होती है हमारी पूरी एक टेबल जिसमें हमने डिफरेंट एनिमल्स के सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बात की कि किसके पास किस तरीके का क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होता है। तो क्या हुआ भाई, इंसेक्ट में हमें फीमेल के पास कैसे मिल रहा है? सेम क्रोमोसोम मिल रहा है। अब मैं इसे इरेज करती हूँ, फिर हम आगे कुछ नए वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, होमो और हेट्रो दो वर्ड मैंने आप लोगों को सिखाए हुए हैं। होमो मतलब एक जैसा, हेट्रो मींस क्या हो गया? अलग अलग, याद रखिए। तो यहाँ होमो और हेट्रो इन वर्ड्स का हम फिर से इस्तेमाल करने वाले हैं। ध्यान से देखिए, इंसेक्ट और ये जब हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, इंसेक्ट और ह्यूमन की या इन दोनों टाइप की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको फीमेल में जो क्रोमोसोमल पेयर दिखाई दे रहा है ये क्रोमोसोमल पेयर कैसा है? सिमिलर है। दोनों के पास कैसे हैं? एक्सएक्स एक्सएक्स। तो क्या मैं इसको बोल सकती हूँ होमोगैमेटी? बिल्कुल बोल सकती हूँ होमोगैमेटी। दोनों के पास एक जैसा क्रोमोसोम पेयर है, दो एक्स है दो एक्स है। क्लियर। अब मेल के पास चलते हैं। मेल में हमें एक में दिख रहा है एक्स जीरो और दूसरे में दिख रहा है हमें एक्स एंड वाई। तो ये हमारा क्या हो गया? हिट्रोगैमेटिक हुआ ना। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? हिट्रोगैमेटिक। अब नीचे वाले दो की बात करते हैं हम, तो नीचे वाले फीमेल कैसी हो गई? अब हिट्रोगैमेटिक हो गई और मेल यहाँ कैसा हो गया? होमोगैमेटिक हो गया। क्लियर है, मेल कैसा हो गया? होमोगैमेटिक हो गया। देखिए किस तरीके से डिसाइड होता है कि कौन मेल बनना है कौन सा फीमेल बनना है। तो एक पेयर को मैं लेकर यहाँ समझाती हूँ कि हमने एक्स एक्स लिया और यहाँ पर लिया एक्स नॉट, इंसेक्ट का हम पढ़ते हैं। ठीक है, क्या होगा भाई? यहाँ पर गैमीट का फॉर्मेशन होगा, होगा ना। 50% बनेंगे एक्स, 50% बनेंगे दूसरा x बनेगा ना यहाँ पर। और यहाँ पर क्या बनेगा? केवल x, क्योंकि जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो हमें क्या चार फॉर्म जो है वो देखने को मिलती हैं। एक x इसके साथ जाएगा, ये बन गया हमारा एक्स एक्स। ये वाला x अगर इसके साथ ट्रांसफर होता है तो x जीरो बनता है, ये इसके साथ ट्रांसफर हुआ तो अगेन हमें एक्स एक्स मिलता है और यहाँ हमें एक्स जीरो। तो सिंपली आप डिसाइड कर लीजिए, एक्स एक्स है तो फीमेल, एक्स नॉट है तो मेल, ये फिर से फीमेल और ये मेल। ठीक है, तो क्या हुआ? 50% चांसेस हमारे मेल फॉर्मेशन के हुए और 50% चांसेस हमारे फीमेल के बनने के होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम सभी के साथ निकाल सकते हैं कि मेल और फीमेल का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। अब हम जरा हेट्रोगैमेटिक और होमोगैमेटिक के बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ पर आपको दो नए वर्ड मिलेंगे अगर हम इन दोनों की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? मेल हेट्रोगैमेटी मिल रही है, मेल हेट्रोगैमेटी। ठीक है, यहाँ देखिए केवल हेट्रोगैमेटी की बात कर रही हूँ मैं, होमो की नहीं बात कर रही हूँ। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ हमें मिल रही है फीमेल हेट्रोगैमेटी। ठीक है, तो इन दोनों में हमें
मेल हेट्रोगैमेटी मिल रहा है, मतलब मेल के पास जो क्रोमोसोम है वो कैसे हैं, अलग अलग हैं, और इन दोनों में हमें फीमेल जो है वो हेट्रोगैमेटी मिल रहा है। अगर हम इसे इसे हम क्या कह सकते हैं, होमो मेल होमोगैमेटी कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं फीमेल होमोगैमेटी। तो वी कैन यूज दिस, लेकिन जो बुक्स में हमें दिया होता है वो मेल और फीमेल हेट्रोगैमेटी के फॉर्म में ही दिया होता है। ठीक है, तो अगर वर्ड हेट्रोगैमेटी आता है तो आप तुरंत गैमेट्स के गैमेट्स को स्टडी करेंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है जिसमें आपको गैमेट्स प्रॉपरली नहीं दिए होते हैं, मतलब बोल दिया जाता है कि फीमेल इज अ हेट्रोगैमेटी, तो आपको पता होना चाहिए हेट्रोगैमेटी का मतलब क्या है। अगर ये लिखा है क्वेश्चन में कि फीमेल इज अ हेट्रोगैमेटी, तो आपको गैमेट्स खुद से डिसाइड करने पड़ेंगे, उसने बोल दिया हेट्रोगैमेटी है, हेट्रोगैमेटी है, तो तुरंत आप कहाँ जाएंगे, इन दोनों ऑप्शन के पास। ठीक है, होमोगैमेटी कह रहा है तो कहाँ पहुंचेंगे, ऊपर वाले ऑप्शन के पास। तो इस तरीके से आपको वर्ड्स के बारे में समझना होगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। तो इस तरीके से सेक्स का जो है वो डिटर्मिनेशन किया जाता है। अब हम थोड़ा सा बटरफ्लाई के बारे में, सॉरी हनी बी के बारे में बात करेंगे कि हनी बी का सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरीके से होता है। देखिए, हनी बी का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि एक इंडिविजुअल हनी बी के पास कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पहुंचे हैं, या फिर मैं ये कहूं कि हाउ मच सेट्स ऑफ क्रोमोसोम दैट इंडिविजुअल हनी बी इज गेट। ठीक है, तो उस एक हनी बी को कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम मिले हैं। मैंने आपको हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दो वर्ड के बारे में कई बार समझा चुकी हूँ, पर स्टिल आप फिर से देखिए, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। हैप्लॉइड वो सेल्स होती हैं जिनके पास केवल और केवल वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, और डिप्लॉइड वो सेल्स होती हैं जिनके पास टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। एग्जाम्पल दिया था मैंने ह्यूमन का 46, जिसके पास केवल और केवल 23 हैं वो सेल हमारी हैप्लॉइड सेल कहलाएगी, और जिसके पास दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है 46 टोटल वो हमारा डिप्लॉइड सेल कहलाएगी। क्लियर है, तो यही हैप्लॉइड और डिप्लॉइड से ही हम डिसाइड करने वाले हैं कि कौन सी हनीबी मेल होगी और कौन सी हनीबी फीमेल होगी। देखिए, अब क्या होता है, हनीबी के जो एग्स हैं, ये हनीबी के एग्स अगर फर्टिलाइज्ड होते हैं, अगर क्या होते हैं, फर्टिलाइज्ड होते हैं, तो 102% फीमेल हनी बी फॉर्म होगी। ठीक है, कैसे हनी बी फॉर्म होगी, फीमेल मतलब इसके पास क्या हो गया, डिप्लॉइड फॉर्म है। कैसा फॉर्म है, डिप्लॉइड फॉर्म है, इसके पास मेल फर्टिलाइजेशन, मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होना, तो जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा मतलब फर्टिलाइजेशन होगा और हनी बी प्रोड्यूस होगी फीमेल। लेकिन जो एग अनफर्टिलाइज्ड होते हैं, मतलब ऐसे एग जिनका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, वो फॉर्म करते हैं मेल हनी बी। ठीक है, वो किसको फॉर्म करते हैं, मेल हनीबीज को फॉर्म करते हैं, और इसमें हमें हैप्लॉइड फॉर्म मिलता है। कौन सा फॉर्म मिलता है, हैप्लॉइड, क्योंकि देखिए अनफर्टिलाइज्ड है, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम तो आए ही नहीं ना, आधा सेट है, तो वो कैसे हैं, हैप्लॉइड फॉर्म है। क्लियर है, और क्या फॉर्म होगा, मेल फॉर्म होगा। ठीक है, अनफर्टिलाइज्ड एग से जो नेक्स्ट जनरेशन बनती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोकार्पिक, ये चीज आपने पढ़ी होगी। तो पार्थेनोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें रिप्रोडक्शन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बिना किसी फर्टिलाइजेशन के, मेल और गैमीट, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के आपस में फ्यूज होने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो हनी बी में किस तरीके से डिसाइड हुआ, अगर फर्टिलाइजेशन होता है, अगर सेल डिप्लॉयड बनती है, तो इट
100% इट विल फीमेल, और अगर एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, दूसरा सेट ऑफ क्रोमोसोम नहीं मिलता है, कंडीशन हैप्लॉयड बनती है, तो वो हमेशा मेल हनीबी को फॉर्म करेगा. मेल हनीबी जिसमें ज़्यादातर हमें ड्रोन्स मिलते हैं. आपने फीमेल हनीबी की फैमिली के बारे में पढ़ा ही होगा, और फीमेल में वर्कर बन सकता है वो, या फिर क्वीन फॉर्म हो सकती है. ठीक है, तो इस तरीके से जो तीन फॉर्म थे हनीबी की फैमिली में, वो ऐसे फॉर्म होते हैं. तो यहाँ पर हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन की थ्योरीज जो हैं वो खत्म होती हैं. अब थ्योरीज खत्म हुई हैं, ठीक है, ये तो थ्योरी थी, लेकिन हमें क्या चाहिए? एक्सपेरिमेंटल प्रूफ. हमें चाहिए कोई एक ऐसा सबूत जिससे हम बता बिल्कुल अच्छे तरीके से कह पाए कि हाँ भाई ये बात बिल्कुल सही है. तो ये चीज हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, इसका एक्सपेरिमेंट देखेंगे, अगले साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे, अपने ड्रोसोफिला फ्लाई के बारे में बात करेंगे. ऑल आर इन नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन अ वेरी हैप्पी लर्निंग.